हेलो दोस्तों, वेलकम बैक आपके अपने यूट्यूब चैनल साइंस एकेडमी हब पर। एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं आपके जो RUHS BSc नर्सिंग का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया था जिन लोगों ने 2024-25 का, तो उनकी जो कट ऑफ क्या रहेगी, उन उसके कट ऑफ के बारे में हम देखते हैं कि कट ऑफ क्या रहेगी। और बात करते हैं हम आगे की आपके जो काउंसलिंग का जो शेड्यूल है, काउंसलिंग की जो डेट है वो डेट कब तक आएगी, इस बारे में भी हम बात करेंगे आगे इस वीडियो में। तब तक के लिए आप बने रहिए इस वीडियो में, और जो नए आए हैं वो प्लीज़ जाकर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेवे, क्योंकि आगे ऐसे ही नई अपडेट आती रहेगी इस चैनल के माध्यम से आपको प्रोवाइड करवाई जाएगी। और हम बात करते हैं कि आपके की अब की बार 40 नंबर वालों को भी कॉलेज मिल सकती है, वो कैसे मिलेगी, तो आप आगे वीडियो देखते रहिए तो आपको पता चल जाएगा। और हम बात करते हैं कि आपके जो गवर्नमेंट एंड प्राइवेट कॉलेज की जो सीट्स हैं वो कितनी क्या रहेगी। और हम बात करेंगे आगे इस वीडियो में कि जो टॉप गवर्नमेंट कॉलेज है और SMS है, और साथ ही साथ बात करेंगे जो वेरी गवर्नमेंट कॉलेज है, जो कि 3 गवर्नमेंट कॉलेज है नए पिछले साल ओपन हुए थे, उनकी कट ऑफ क्या रहेगी, क्योंकि नए गवर्नमेंट कॉलेजों की कट ऑफ कम रहती है। जो टॉप गवर्नमेंट कॉलेज है, टॉप गवर्नमेंट कॉलेज आपके 8 है, तो आगे हम इस वीडियो में बात करेंगे, तो आगे बने रहिए। तो आप सब लोग ये देख सकते हैं कि ये आपकी साइट है, मेन वेबसाइट है RUHS की, जहां पर अभी तक कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं आई है आपके काउंसलिंग से रिलेटेड। तो ये देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पर कुछ भी इन्फॉर्मेशन नहीं है, केवल ये रिजल्ट का दिखा रखा है। यहाँ पर आप ये देख सकते हैं द रिजल्ट इज नाउ, तो केवल रिजल्ट का ही दिखा रखा है अभी तक। तो हम बात करते हैं आपके जो टॉप है, जो आपके SMS की कट ऑफ की बात कर लेते हैं, या सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आपके जो काउंसलिंग की डेट, यानी काउंसलिंग यानी कब से स्टार्ट होने वाली है। तो आप काउंसलिंग की बात कर लेते हैं, तो आप यानी 20 के समथिंग, आप 20 सितंबर या 20-25 सितंबर के बीच में आपको काउंसलिंग की डेट देखने को मिल सकती है। अब हम आगे बात कर लेते हैं, ज़्यादा बात न करते हुए, ज़्यादा अपन वीडियो को ज़्यादा नहीं बढ़ाते हुए आगे, तो बात करते हैं कि हम SMS की जो कट ऑफ रहेगी। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं SMS, क्योंकि ये गवर्नमेंट है, फ्री कॉस्ट है, इसके अंदर कुछ भी आपका जो रुपया लगता है वो कुछ ही नहीं लगेगा, जो कि हर दूसरे गवर्नमेंट कॉलेज में आपका जो पैसा लगता है वो 50,000 लगता है OBC जनरल का, जबकि जो SMS है उसके अंदर कुछ भी पैसा नहीं लगता है। तो हम आगे बात कर लेते हैं SMS की जो कट ऑफ कितनी क्या रहेगी। SMS की कट ऑफ देख लेते हैं UR यानी जनरल की, जनरल की कितनी रहेगी, जनरल की रहेगी यानी 90 प्लस अराउंड, यानी 90 प्लस के अराउंड रहेगी ये, इसकी कट ऑफ रहेगी SMS की, OUR की, जनरल की। अब हम आगे बात कर लेते हैं OBC की, OBC की बात करते हैं तो OBC के अंदर हम बात कर लेते हैं 88 के अराउंड आपकी जो कट ऑफ रहेगी वो रहेगी। और आगे हम बात कर लेते हैं आपके जो EWS और जो MBC है, EWS और MBC की लगभग लगभग बराबर रहती है, तो उनकी बात कर लेते हैं, उनकी कट ऑफ रहेगी आपके लगभग 85 प्लस रहेगी, यानी 86-85 के अराउंड रहेगी आपकी ये कट ऑफ EWS MBC वालों की। अब हम बात कर लेते हैं जो SC ST वाले हैं, उनकी क्या कितनी क्या कट ऑफ रहने वाली है। उनकी कट ऑफ रहेगी SC वालों की रहेगी यानी 82 के अराउंड रहेगी SC वालों की, और ST वालों की रहेगी, ST वालों की और भी थोड़ा कम रहेगा, यानी जो 79 है उसके अराउंड समथिंग रहेगी। ये आप देख सकते हो, ये कट ऑफ है SMS की, कट ऑफ है ये। अब हम आगे बात कर लेते हैं जो आपके टॉप गवर्नमेंट कॉलेज है, जो आपके टॉप गवर्नमेंट कॉलेज की लिस्ट में आपके केवल 8 गवर्नमेंट कॉलेज है, टॉप 8 गवर्नमेंट कॉलेज है। वो 8 गवर्नमेंट कॉलेज कौन कौन से हैं, यानी फर्स्ट नंबर पर आपका जीकोन चूरू, यानी चूरू है ना राजस्थान में नंबर वन कॉलेज है, ये बात है, आप जाके ट्राई कर सकते हो, देख सकते हो, कॉलेज यानी राजस्थान का नंबर वन कॉलेज है नर्सिंग में, टॉप नर्सिंग कॉलेज की लिस्ट में आता है चूरू, एक नंबर पर आता है। तो मैं वहाँ से स्टडी कर रहा हूँ, अभी मैं थर्ड सेमेस्टर का स्टूडेंट हूँ, तो मेरे अलावा कोई भी ढंग से आपको नहीं बता पाएगा कि कट ऑफ क्या रहेगी और कितनी क्या जा सकती है, क्योंकि मैं भी एक स्टूडेंट हूँ और उस हिसाब से आप लोगों की मदद करता हूँ, हेल्प करता हूँ वीडियो बना के, और आप लोग मेरे से पूछते भी हो व्हाट्सएप पर मैसेज करके, टेलीग्राम पर, इनकी आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो आप मेरे से जुड़ सकते हो, डायरेक्ट जुड़ सकते हो और आप पूछ सकते हो आपकी जो भी प्रॉब्लम्स है वो। अब आगे हम टॉप जो 8 गवर्नमेंट कॉलेज है उसके बारे में बात कर लेते हैं, फर्स्ट पर बात कर लेते हैं आपके जो यानी जो है चूरू है, फिर हम बात कर लेते हैं आपका जो अजमेर वाला हो गया, एक पुराना जो ओल्ड गवर्नमेंट कॉलेज था,
और बात कर लेते हैं थर्ड पर, RUHS हो गया, उदयपुर हो गया, उदयपुर में एक गवर्नमेंट कॉलेज है जी कौन, उदयपुर हो गया। और आगे हम बात कर लेते हैं आपका बीकानेर वाला हो गया, बीकानेर हो गया एक। और छठे नंबर पर बात कर लेते हैं कोटा हो गया, जोधपुर हो गया सातवें पर, जोधपुर की बात कर लेते हैं अपन। और आपके जो आठवें नंबर की बात कर लेते हैं, वो बात कर लेते हैं आपकी अलवर की। ये टॉप, यह आप देख सकते हो ये टॉप आठ गवर्नमेंट कॉलेज है, इनकी कट ऑफ अलग रहती है, यानी सबकी अलग अलग रहती है। जो नए गवर्नमेंट कॉलेज है उनकी कम रहती है और पुरानों की ज़्यादा रहती है। ये आठ जो पुराने हैं ये पुराने हैं और ये टॉप गवर्नमेंट कॉलेज की लिस्ट में आते हैं। चूरू हो गया, अजमेर हो गया, RUHS हो गया, उदयपुर हो गया, बीकानेर, कोटा, जोधपुर और अलवर। अब इनकी बात कर लेते हैं इनकी कट ऑफ कितनी क्या रहेगी। इनकी बात कर लेते हैं जो टॉप आपको गवर्नमेंट कॉलेज दिखाया था उनकी जो जनरल की कट ऑफ रहेगी, जनरल की कट ऑफ रहेगी इनकी रहेगी 80 से 85 के अराउंड, यानी समथिंग इतनी रहेगी। और जिसके 85-80+ है वो यानी SMS फिल चॉइस कर सकता है फर्स्ट पर। अब हम बात कर लेते हैं आपके OBC की, OBC की कितनी रहेगी। OBC की आप देख सकते हो 79 के आसपास रहेगी, 79+ वाले ये चूज कर सकते हैं। और जो EWS है, जो EWS और MBC कैटेगरी वाले हैं उनकी क्या रहेगी, उनकी 76 रहेगी, 76+ के समथिंग रहेगी, 76 मान सकते हो आप इसके अराउंड रहेगी। और जो SC ST वाले हैं यानी SC वालों की 74 से 78 रहेगी और ST वालों की रहेगी 68 से 75। ये आपकी टॉप जो गवर्नमेंट कॉलेज है, आठ गवर्नमेंट कॉलेज उनकी कट ऑफ लिस्ट रही है। इनके अराउंड इनके समथिंग ही रहेगी, यानी आप प्लस माइनस 1-2 कर सकते हो, लास्ट इतना ही रहेगा, ज़्यादा अंतर नहीं है देखने को मिलेगा आपको। अब हम बात कर लेते हैं आपके जो गवर्नमेंट कॉलेज है, न्यू गवर्नमेंट कॉलेज। अब हम बात कर लेते हैं जो और गवर्नमेंट कॉलेज है उनकी, उनकी जो गवर्नमेंट कॉलेज की जो कट ऑफ रहेगी वो लगभग लगभग इतनी रहेगी, यानी 75 के अराउंड। जो जनरल वाले हैं उनकी 75 के अराउंड रहेगी, जो या मैं आपको बता रहा हूँ जो कि बहुत टॉप गवर्नमेंट कॉलेज थे, जो कि ओल्ड गवर्नमेंट कॉलेज के नाम से जाना जाता है, उनको ओल्ड गवर्नमेंट कॉलेज के नाम से जाना जाता है। उसके बाद में जो ये 2021-22-23-24 से जो नए गवर्नमेंट कॉलेज ओपन हुए हैं उनकी अलग अलग कट ऑफ रहती है, कम रहती है उनकी। तो हम बात कर लेते हैं आगे वालों की, जो 75 रहेगी उनकी, यानी जो और गवर्नमेंट कॉलेज है नए वालों की। और आगे बात कर लेते हैं OBC वालों की, जो OBC में है OBC कैटेगरी की 73 के अराउंड यानी समथिंग रहेगी। अब हम बात कर लेते हैं EWS और MBC वालों की, उनकी रहेगी यानी जो आप 70 के अराउंड मान सकते हैं। और SC वालों की रहेगी 68 और जो ST वाले हैं उनकी रहेगी 62 अबव या 60 के अराउंड रहेगी इनकी। टॉप प्राइवेट कॉलेज है, टॉप प्राइवेट कॉलेज की। अभी आपने थंबनेल में देखा होगा कि यानी 40 नंबर वालों को भी अब की बार कॉलेज कैसे मिल रही है, तो वो कॉलेज है प्राइवेट कॉलेज। वो प्राइवेट कॉलेज किस प्रकार मिलेगी, आप अच्छे से लगाएंगे ना अपनी जो कॉलेज चॉइस है, वो चॉइस फिलिंग अच्छे से करेंगे तभी आपको वो 40 नंबर वालों को कॉलेज मिलेगी। वो कैसे मिलेगी, यानी जो टॉप प्राइवेट कॉलेज है, टॉप प्राइवेट कॉलेज की जो कट ऑफ रहेगी वो आपको मैं बता देता हूँ, वो टॉप प्राइवेट कॉलेज की कट ऑफ कितनी क्या रहेगी। टॉप प्राइवेट कॉलेज की कट ऑफ आप मान सकते हो 50+ 57 के अराउंड समथिंग रहेगी। और जो ये जनरल की है, और OBC वालों की बता सकता हूँ मैं, OBC वालों की 50+ रहेगी। OBC और MBC वालों की बात कर लेते हैं, उनकी रहेगी यानी उनकी आप बात कर सकते हो यानी 50 के आसपास रहेगी। और ST SC वालों की, ST और SC वालों की 40 के आसपास, 40+ रहेगी, 40-45 के अकॉर्डिंग रहेगी, यानी 40 और 45 के समथिंग रहेगी इनकी। तो अब हम आगे जो वीडियो को ज़्यादा लॉन्ग ना करके हम आगे बात कर लेते हैं जो आपकी प्राइवेट और जो गवर्नमेंट कॉलेज सीट्स है वो आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि वो कितनी क्या सीट है, कि कौन से कॉलेज में कितनी सीट है, ओल्ड गवर्नमेंट कॉलेज में कितनी सीट है टोटल, और जो न्यू गवर्नमेंट कॉलेज है उनमें कितनी है। यानी आपको एक एक कॉलेज की, एक एक जो गवर्नमेंट कॉलेज की उनकी सीट्स के बारे में बताऊँगा मैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप प्लीज़ जाकर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले, और प्लीज़ शेयर ज़रूर करें अपने दोस्तों को, उनको भी पता चले कि गवर्नमेंट कॉलेज कितनी है और कट ऑफ क्या रहने वाली है आपके।